हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है एज ए टेक्निक। तो फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक जूस या फिर कॉफी कप होल्डर है। आज मैं इसी बॉक्स के डाइकट बनाना आपको सिखाने वाला हूँ। मैं इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से ये ओपन होता है ये, और सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी है। ये देखिए, ये इस तरह से ओपन हो जाता है। और फ्रेंड्स, इसकी डिलीवरी इस तरह से की जाती है। कस्टमर को हम इसे इस तरह से पैक करके देते हैं, एक के ऊपर एक रख के ऐसे इस तरह से कस्टमर को हम डिलीवर करते हैं। तो इसी बॉक्स की डाइकट आपको मैं बनाकर दिखाने वाला हूँ एडोब इलस्ट्रेटर पर। और मैं इसको अभी बन करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह से बंद होता है, बहुत ही ईजी है। ये देखिए, ये इस तरह से बंद हो जाता है। और यहाँ पर हम अपने कॉफी या फिर जूस गिलास को रख करके कस्टमर को देते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि इस बॉक्स की डाइकट कैसे बनाते हैं। तो अभी मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूं, और आइए ओपन करते हैं अपना एडोब इलस्ट्रेटर। तो मैंने यहां से ओपन कर लिया है, और यहां पर आप देख रहे होंगे ये सेम डाइकट यहां पर ऑलरेडी बनी हुई है जो मैंने आपको अभी बॉक्स दिखाया है। तो आइए इसी डाइकट को रिक्रिएट करते हैं सिर्फ आपको बताने के लिए। तो सेम हम इसको कॉपी कर लेते हैं। मैंने अभी प्रेस किया है शिफ्ट ओ, उसके बाद ये अल्ट मैंने प्रेस किया तो ये बिल्कुल सीधा कॉपी हो जाता है। उसके बाद मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। और यहाँ से इसका साइज देख लेते हैं। ये देखिए, इसका साइज यहाँ पर 18x10 और इसकी हाइट है 4.4। तो इसी सेम साइज का हम यहाँ पर आपको बना करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगल, जिसका शॉर्टकट है एम, और यहाँ पर क्लिक करता हूँ और 18x10 ये हो गया। और इसको मैं कलर दे देता हूँ रेड। यहाँ से मैं पिक कर लेता हूँ रेड कलर, और यहाँ से इसको मैं दे देता हूँ स्ट्रोक 2 पॉइंट, जिससे कि आपको साफ साफ नजर आए। तो ये हो गया। उसके बाद एक कॉपी से मैं आउट आउट करता हूँ, अल्ट और शिफ्ट की मदद से बिल्कुल सीधा ये कॉपी हो जाता है। ये देखिए, और यहाँ पर अभी रेफरेंस पॉइंट ऊपर की तरफ रखूंगा, और यहाँ से इसको मैं लॉक कर दूंगा, और यहाँ से इसको 4.4 कर दूंगा। ये देखिए, कंट्रोल वाई करके हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये ऑलरेडी मिला हुआ है। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, अभी सेम एक कॉपी और करना है। तो इसको हम कॉपी करके यहाँ पे लगा लेंगे, और इस पार्ट को कॉपी करके हम ऊपर लगा लेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से मैंने इसको लगा लिया है। यहाँ पर मैंने कंट्रोल वाई किया तो ये परफेक्ट है। उसके बाद अभी हमें यहाँ पर एक ग्लू लैप लगाना है इस बॉक्स को पेस्ट करने के लिए। तो उसके लिए इसी को मैं कॉपी करूंगा सीधा और यहाँ पर लगा लूंगा। और ग्लू लैब हम रख लेते हैं 1.8 सेंटीमीटर का। ये इस तरह से मैंने 1.8 सेंटीमीटर दे दिया है। अब इसको दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा अंदर कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया, इंटर प्रेस किया, यहाँ पर 1 किया और नीचे 0, इंटर। इसी तरह से इधर भी इंटर, यहाँ पर माइनस माइनस 1 और 0 हो गया। तो ये इस तरह से ये पार्ट हमारा बन करके रेडी हो गया है। अभी हमें इस पार्ट को क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, इसी पार्ट को हमें कॉपी करना है और इसको कर लेना है रोटेट। रोटेट करके हमें यहाँ पर इसको मिला लेना है। इस तरह से हमने इसको मिला लिया है, और दूसरा पार्ट हमें यहाँ से, सॉरी, दूसरा पार्ट हमें यहाँ से मिला लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इस पार्ट को मिला लिया है। और अभी हमें ये वाला पार्ट बनाना है, तो इसको सेम कॉपी करेंगे और यहाँ पर रख लेंगे, और इसे भी हम यहाँ से मिला लेंगे। अभी हमें यहाँ से थोड़ा थोड़ा इसको अंदर करना है, 3-3 mm हमें यहाँ से अंदर कर लेना है। तो एक मैं रेक्टेंगल लूंगा और उसको यहां से मैं कर देता हूँ 0.3,
और यहाँ से दे देता हूँ 0.5, और मुझे ये है इसकी जो विड्थ है 0.3, तो इसको यहाँ से मुझे मिला लेना है, ये 0.3 यहाँ से। इसको थोड़ा सा ऊपर हम रख देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर एंकर पॉइंट लगाना है। तो मैंने एंकर पॉइंट लगाने के लिए प्लस प्रेस किया शॉर्टकट, और यहाँ पर एंकर पॉइंट लगा लिया। अभी सेम एंकर पॉइंट हमें दूसरी साइड पे लगाना है, तो ये देखिए ये है प्लस, और इसके बिल्कुल सीधा से हमें यहाँ पर एंकर पॉइंट लगाना होगा, ये देखिए। तो ये हो गया, इसको आप डिलीट कर देते हैं। अभी हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है, इंटरफेस करना है, जीरो करना है, और यहाँ पर 0.3, ये देखिए ये इस तरह से हो जाता है। और इसी तरह से दूसरे साइड भी डबल क्लिक यहाँ पर कर लेंगे, और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, जीरो करेंगे, यहाँ पर -0.3 करेंगे, ये देखिए। तो ये बन जाएगा सेम टू सेम हमारा। और इसको सबको हम सेलेक्ट करके यहाँ पर हम आएंगे, और इसे हम दे देंगे ये देखिए राउंड ज्वाइन, तो यहाँ से ये अच्छे से मिल जाएगा, ये देखिए। तो ये पार्ट भी हमारा बन करके रेडी हो गया है। और अभी हमें क्या करना है, अभी हमें बनाना है ये वाला पार्ट। तो ये पार्ट होता है 1.5 बाई 5 का। पहले हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ से 1.5, और इसकी हाइट यहाँ से सेंटर में रेफरेंस पॉइंट 5, ये हो गया, ये देखिए। अभी हमें क्या करना है, दोनों साइड से 3 3 mm हमें इसको बाहर निकालना है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ से इसका जो कॉर्नर है उसे हम थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं। इसे हम थोड़ा सा यहाँ से 3 मिली इसे हम राउंड कर लेते हैं। उसके बाद ये देखिए दोनों तरफ से निकला हुआ है, ये 3 3 मिली है, तो हम इसको भी यहाँ से यहाँ पर हम एक लेते हैं 2.25 ये, और इसको हम यहाँ से मिला लेते हैं। और अभी मैंने प्रेस किया एंकर पॉइंट, जिसका शॉर्टकट है प्लस, और यहाँ से एक एंकर पॉइंट इधर लगाते हैं। इसी तरह से दूसरे साइड भी इसको हम लेकर के आते हैं यहाँ से, और एक एंकर पॉइंट हमें यहाँ पर भी लगाना होगा इसी के सीधा से, ये देखो। इसको इसका काम खत्म, तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अभी हमें इसको दोनों साइड से 3 3 mm बाहर निकालना, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इंटर प्रेस किया, यहाँ पर 0, यहाँ पर -0.3, ये देखिए ये बाहर आ गया। इसी तरह से यहाँ से भी इंटर 0.3, ये भी बाहर आ गया। अभी यहाँ से थोड़ा सा इसको हम ये इस तरह से सीधा कर लेते हैं, ये देखिए इसे भी इस तरह से इसको हम ये देखिए सही हो गया। तो अभी आप देख सकते हैं ये सेम टू सेम बन गया है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सबको कॉपी करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसका जो फोल्डिंग वाला पार्ट है वो अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं करता हूँ Ctrl+X और Ctrl+F, और इसको मैं Ctrl+C Ctrl+F करता हूँ, डबल लाइन, एक लाइन हमें यहाँ से मिलानी है और दूसरी लाइन हमें यहाँ से मिलानी है, और इसको कर देना है ग्रीन कलर, ये वाला हमें ग्रीन कलर दे देते हैं क्योंकि ये फोल्डिंग है, ये देखिए। और इसको भी हम 2 पॉइंट यहाँ से कर लेते हैं। तो ये है फोल्डिंग वाला पार्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको कॉपी करके इधर लगा लेना है, रिफ्लेक्ट यहाँ से करेंगे, ये देखिए ये हो गया। इसी तरह से इस पार्ट को भी हम कॉपी करेंगे और यहाँ से करेंगे रिफ्लेक्ट। तो ये हमारा सेम टू सेम बन गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इस पार्ट को और इस पार्ट को और इस पार्ट को, इस पार्ट को, ये वाला पार्ट हमें नहीं लेना है, सबको कॉपी करके यहाँ से हमें मिला लेना है। ये हमें यहाँ से ये देखिए इस तरह से हमें मिला लेना है। तो ये हमारा परफेक्ट हो गया। अभी हमें इसको इस लाइन को कर देना है ज्वाइंट Ctrl+J, और इसे भी हमें करना है ज्वाइंट Ctrl+J, ये हो गया।
ओके फ्रेंड्स, अभी आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये है हमारा यहाँ पर 4.8 का। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये है 3.5 और ये भी है 3.5। तो अभी मैं इसको पूरा देखता हूँ साइज इसका। तो ये है, तो इसका साइज जो है 0.3.5 by 5.5। और यहां से इसको ये देखिए अंदर किया गया है 0.35। तो मैं एक रेक्टेंगल लूंगा यहां से, (0.35, 5.5) ये हो गया ना। अभी क्या करना है इसको, अभी हमें पहले इसको सेम दे देना है रेड कलर, और इसको हमें इंटर 0.35, इसी तरह से इंटर 0 - 0.35। तो ये आप देख सकते हैं ये सेम टू सेम हमारा बन गया है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये नीचे वाली लाइन यहाँ से डिलीट कर देनी है। उसके बाद इसको हमें सेंटर में लगाना है, इसके इसके सेंटर में लगाना है। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर प्रेस करके ये सेंटर हो गया है, ये देखिए। और अभी हमें ये वाली लाइन यहाँ से हटानी है, और इस लाइन को फोल्डिंग वाली है तो इससे हमें ग्रीन करनी है। तो यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेते हैं और कंट्रोल बी कर लेते हैं, या कंट्रोल एफ कुछ भी कर सकते हैं, और इस लाइन को हम यहाँ से मिला लेंगे और दूसरी लाइन को हम यहाँ से मिला लेंगे, ये देखिए हम इसको यहाँ से मिला लेंगे और इस लाइन को भी हम अच्छे से मिला लेंगे यहाँ से। तो ये हमारी फोल्डिंग वाली लाइन है, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं दोनों को, आई ड्रॉपर टूल से यहाँ से फोल्डिंग वाली लाइन पिक कर लेते हैं। अभी हमें क्या करना है, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं यहाँ से, और इसको हम यहाँ से मिला लेते हैं, ये देखिए इस तरह से मिला लेते हैं, और इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इस लाइन को भी डिलीट कर देते हैं, फिर कंट्रोल एफ कर देते हैं, ये देखिए ये हमारा हो गया है बिल्कुल परफेक्ट, ये सब हमारा बन चुका है। अभी अभी क्या बाकी है, अभी ये होल्डर बाकी है, इसी के अंदर गिलास फिट होता है, और उसके अलावा सारी लाइनों को हमें सेपरेट करना है फोल्डिंग वाली। तो सबसे पहले हम सारी फोल्डिंग वाली लाइंस को यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स कंट्रोल एफ, अगर डबल लाइन है तो एक लाइन डिलीट कर लेंगे, देखिए इस तरह से, और सबको सिलेक्ट करेंगे, आई ड्रॉपर टूल लेंगे जिसका शॉर्टकट है आई, और यहाँ से पिक कर लेंगे कलर। उसके बाद अभी बचा हुआ ये, इसको भी हम सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल एक्स करते हैं, कंट्रोल एफ करते हैं, डबल लाइन है तो एक लाइन डिलीट कर लेते हैं, ये देखिए ये इस तरह से एक लाइन हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, सिलेक्ट करते हैं सबको, आई ड्रॉपर टूल लेते हैं, शॉर्टकट है आई, और यहाँ से इसको हम दे देते हैं ग्रीन कलर। तो ये तकरीबन हमारा बॉक्स बंद करके रेडी हो गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइन लगाई गई है ग्लू के लिए, इसके अंदर ग्लू अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, तो बॉक्स बहुत अच्छे से पेश हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये भी वाली लाइन यहाँ पर लगा लेते हैं, ये देखिए इस तरह से हम ये लाइन यहाँ पर लगा लेते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर हम लगा लेते हैं ये इस लाइन को, ये इस तरह से जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम ही हो, बस इसको इसलिए लगाया जाता है कि इसके अंदर ग्लू अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये हो गया, इसको भी हम यहाँ से कलर, इसका अलग कलर इसका चाहिए क्योंकि ये फोल्डिंग और कटिंग वाली लाइन से अलग होता है, तो हम इसको यहाँ से कलर ये वाला दे देते हैं, ये देखिए ये वाला कलर यहाँ से इसको दे देते हैं। तो ये भी हमारा हो गया है सही, ये देखिए इसको हम सिलेक्ट करके थोड़ा सा और इधर उधर जैसा करना चाहे कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया परफेक्ट। अभी हमें क्या बनाना है, अभी हमें ये होल्डर बनाना है, और यहाँ पर ये जो कट दिख रहा है
इसके अंदर हम स्ट्रॉ वगैरह इसके अंदर हम रखते हैं, स्पून रखते हैं, स्ट्रॉ रखते हैं, वो इसके अंदर रखते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इसको सेंटर में लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्पेस बहुत ही कम बचती है, तो अगर गिलास इसके अंदर रखेंगे तो ये और ये कट सकता है। ये देखिए स्पेस यहाँ की, सिर्फ यहाँ पर स्पेस है 5 मिली, तो इसको मैं अगर सेंटर में रखूंगा तो ज्यादा सही रहेगा। तो इसका भी साइज देख लेते हैं, ये देखिए इसका साइज है 3.9 बाई 0.9, तो यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ 4 बाई 1 का, ये देखिए। और इसको मैं रेड कलर यहाँ से पिक कर लेता हूँ, क्योंकि ये कटिंग वाला है। और इसको मैं सेंटर में रख लेता हूँ, बिल्कुल सेंटर में। और यहाँ से 0.5 मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पर 0, और यहाँ से सॉरी ये कुछ गलत हो गया है, तो मैं इसको फिर से यहाँ से मिलाता हूँ 0.5, यहाँ से मिलाना था मुझे सॉरी 0.5। सबसे पहले मैं ये वाला जो हमारा होल्डर है उसको लगा लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ अगर स्पेस बचेगी तो इसको मैं और नीचे कर दूंगा। तो ये होल्डर होता है 7 सेंटीमीटर का सर्किल, तो सर्किल का शॉर्टकट होता है L, और यहाँ पर प्रेस किया मैंने 7 बाई 7। ओके, इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं, और इसको हम थोड़ा और नीचे कर सकते हैं 0.3, ये सही। उसके बाद एक सर्किल और लेंगे हम, कंट्रोल सी कंट्रोल F, इंटर, सॉरी इंटर नहीं करना है, यहाँ पर आपको आ जाना है यहाँ पर 5.3। ये देखिए आपका सेम टू सेम ये बन गया है। उसके बाद अभी हमें यहाँ पर हमें फोल्डिंग वाली लाइन लगानी है, और क्योंकि इसी के अंदर गिलास जा करके फिक्स होता है और यहाँ से ये फोल्ड होकर अंदर चला जाता है। तो उसके लिए अभी हमें हमें क्या करना है, हमें एक लाइन लेना है, लाइन टूल, और उसको सेंटर में रखना है। ये इस तरह से एक लाइन हम सेंटर में रख लेंगे, उसके बाद हम कंट्रोल वाई करते हैं और इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद रोटेट टूल जिसका शॉर्टकट है R, और अल्ट प्रेस करेंगे, उसको हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, और यहाँ से हमें 360 डिवाइडेड बाई 8 रिव्यू करके देखेंगे, तो ये बन रहा है 45 डिग्री का। यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वाई करते हैं, फिर इसको हम कंट्रोल D 8 बार, हमें ये देखिए ये इस तरह से हमें बना लेना है। उसके बाद सबको हमें करना है सिलेक्ट, और यहाँ पर हमें आ जाना है, यहाँ यहाँ से इसको कर देना है डिवाइड, तो ये सब अलग हो जाएगा। उसके बाद हमें अनग्रुप करना है, और ये वाला पार्ट हमें यहाँ से डिलीट कर देना है। अभी आप देख सकते हैं ये पार्ट तकरीबन सेम टू सेम बन गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाली लाइन हमें यहाँ से डिलीट करनी है, इसको सिलेक्ट करना है, डिलीट करना है सॉरी, और उसके बाद एक एक छोड़कर हमें डिलीट करना है, ये देखिए ये और ये दिखने लगा ना सेम सेम। अभी हमें क्या करना है, ये फोल्डिंग वाली लाइन है तो हम इसको हमें सेपरेट करना है, तो इसे सिलेक्ट करना है एड ऑपर टूल से। ये सबसे पहले हमें इसे कंट्रोल X करना है, क्योंकि ये दोनों लाइन मिली हुई है, कंट्रोल X कंट्रोल F सबको हम कर लेते हैं एक साथ, सेलेक्ट कर लेते हैं सबको कंट्रोल X और कंट्रोल F। अभी हमें आई ड्रॉपर टूल से यहाँ से कलर पिक कर लेना है, ये बाकी इसको भी आई ड्रॉपर टूल से यहाँ से पिक कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेम टू सेम 100% बन करके रेडी हो गया है। अभी मैं इसके ऊपर रख करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए बिल्कुल सेम है। तो इसको मैं कंट्रोल G कर लेता हूँ ग्रुप, और यहाँ पर देखिए स्पेस यहाँ पर देख लेते हैं कितनी स्पेस है। ये देखिए यहाँ पर स्पेस है 1 सेंटी, तो हम इसको दोनों को 1 सेंटी 1 सेंटी यहाँ से अंदर कर लेते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे इसको, और इसे हम लगाएंगे यहाँ पर, इंटर करेंगे -1 करेंगे 0 करेंगे, यहाँ पर इंटर करेंगे 1 करेंगे 0 करेंगे, तो इस तरह से ये हमारा परफेक्ट बन करके रेडी हो जाता है। और नीचे से भी हम इसको
एक सेंटीमीटर अगर ऊपर करें दिखते हैं, 0 माइनस 1 सही। तो इस तरह से ये बिल्कुल सेंटर में बन गया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल 100% सेम ये बन करके रेडी हो गया है। लेकिन यहाँ पर ये वाली जो है ये कटिंग है, तो इसको हम यहाँ से रेड कलर दे देते हैं, ये देखिए। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम बन करके रेडी हो गया। अभी हम इसको करते हैं ग्रुप कंट्रोल जी और यहाँ से लगा देते हैं ट्रिम मार्क्स, ये देखिए, और इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये हो गया। इस तरह से ये बॉक्स हमारा कप होल्डर बन करके रेडी हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉफी या जूस कप का होल्डर जो बनता है वो किस तरह से बनता है, उसकी डाईलाइन कैसे बनती है। तो इस तरह से इसकी डाईलाइन या फिर डाईकट या फिर के लाइन भी इसको बोलते हैं, इस तरह से बनती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो तो आप देख लेते हैं, ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी ही अच्छी वीडियो लेकर के आता रहूंगा। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लिए करिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Put me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.